हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लाए हैं सैमसंग का फ़ोन, सैमसंग J4। इसके अंदर प्रॉब्लम है हमारी कि इसके अंदर चार्जिंग नहीं हो रही है। ये देखिए, ये मैंने चार्जर भी लगा दिया है, मैं जब आपको चेक कराता हूँ। देखिए, इसके अंदर चार्जिंग हमारी नहीं हो रही है, तो इसकी चार्जिंग को हम किस तरीके से सही करेंगे, हम ये देखेंगे। और दोस्तों, मैंने इसके अंदर पहले ही चार्जिंग का जैक चेंज कर लिया है, तो मेरी फिर भी इसमें चार्जिंग नहीं हुई। मैंने देखिए, मैंने अभी नया जैक लगाया है इस फ़ोन के अंदर, नया जैक लगाया है, फिर भी इस फ़ोन में चार्जिंग नहीं हुई। तो पहले हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं कि कहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं और कहाँ पर नहीं आ रहे हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए हमने ये देखिए, हमने चार्जिंग जैक लगा लिया है और अब हम मीटर को 20 पर सेट कर लेते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि ये वोल्टेज हमारे बैटरी कनेक्टर तक आते हैं या नहीं आते हैं। ये देखिए, ये मैंने बैटरी कनेक्टर पे लगाया हुआ है और ये हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे। और अब चेक करते हैं चार्जिंग जैक पर कि चार्जिंग जैक पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये चार्जिंग जैक पर वोल्टेज जितने हमें चाहिए 5.12 वोल्टेज आ रहे हैं। तो कहीं से दोस्तों इसकी लाइन ब्रेक है, तो हम उसको ट्रेस करेंगे और अब हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि इसकी चार्जिंग सॉल्व किस तरीके से करें, कहां से हम जंपर उठाएंगे और कहां पर हम कौन से डायवर्ट पर हम जंपर लगाएंगे जिससे कि हमारी चार्जिंग सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम बताते हैं आपको और करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ से जो इसका ये चार्जिंग जैक का प्लस पॉइंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। इधर वाला ये चार्जिंग जैक का प्लस पॉइंट है। यहाँ से हम एक जंपर लेंगे और बोर्ड को हम उल्टा करेंगे। ये हमारी सिम ट्रे है, सिम ट्रे के पास में ये ब्लैक कलर की आईसी लगी हुई है, इसके नीचे ही ये कंपोनेंट है। यहाँ पर हमारी इस साइड में से हम एक जंपर लेंगे और हम जैक के प्लस पॉइंट पर लगा देंगे। तो हम देखिए, ये जंपर लगा लेते हैं, लगाने के बाद में फिर आपको चेक कराएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जंपर लगाया है। देखिए, मैं आपको जूम करके चेक करा देता हूँ। यहाँ से एक जंपर लिया है मैंने और देखिए, इसी बोर्ड पर मैंने यहाँ पर पलट कर इस डायवर्ट पर ये जंपर लगाया है। तो अब देखिए, अब हम इसको लगाकर बोर्ड के अंदर चेक करते हैं, डिस्प्ले में लगाकर चेक करते हैं कि चार्जिंग हमारी होती है या नहीं होती है। ये हमने देखिए, हमारी चार्जिंग ये ओके हो चुकी है। देखिए, दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में कुछ पूछना हो तो वही पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।